हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि करवा चौथ है, दिवाली है, सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं और जब से मैंने अपने ब्लॉग चैनल में दिखाया था कि मुझे डिज़ाइनर साड़ीज़ एंड आउटफिट रिसीव हुए हैं जिनकी मैं जल्दी ही रिव्यू करने वाली हूँ, तब से मेरे एवरी ब्लॉग में सिर्फ यही कमेंट होता है कि आप कब कर रहे हो साड़ियों के रिव्यू, हमें चाहिए, हमें कुछ सजेस्ट करो ताकि हम टाइम से पहले मंगवा सकें। तो फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक डिज़ाइनर हॉल जिसमें आपको 2 डिज़ाइनर साड़ीज़ विद डिज़ाइनर ब्लाउज, गाउन एंड और एक क्या है और एक आगे वीडियो में बताऊंगी। ये सारे आइटम हैं डिज़ाइनर स्वास्तिका जी के कलेक्शन से। उनका एक फेसबुक पेज है माय एंजल एंड प्लस उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और उनका व्हाट्सअप नंबर भी है। सारी चीज़ें मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जैसी भी आपको चीज़ चाहिए, लाइक आपको थोड़ी लाइट वेट में चाहिए, क्या आपका बजट है, या फिर आपको और हैवी चाहिए, आपको कुछ और डिटेलिंग करानी है, कुछ और ऐड कराना है, सारी चीज़ें आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। उसके बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और क्वालिटी बहुत अच्छी है उनकी, मतलब बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो क्रिएट करती हैं, आउटफिट क्रिएट करती हैं। तो आप उनका पेज चेकआउट कर सकते हो, उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें दिखाने से पहले मैं बहुत ही अमेजिंग एंड इनोवेटिव आइटम की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो मुझे रियली में बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि हम डेली मेकअप करते हैं, कभी कभी इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि रिमूव करने का ही मन नहीं होता है। तो उसके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है ममाअर्थ ने लॉन्च किया है। क्या है ये, इसकी छोटी सी रिव्यू देख लीजिए एंड उसके बाद हम फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारी लाइफ में भी कितनी बिजी हो गई है ना, लाइक पूरे दिन की भागम भाग, ये काम वो काम, सारा कुछ करते करते शाम तक तो हालत ही ख़राब हो जाती है। कभी कभी इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि मन ही नहीं करता है कि अपने फेस को क्लीन कर ले, मेकअप को रिमूव कर ले, बट ये करना बहुत ही गलत होता है। हमें हमेशा अपने मेकअप को क्लीन करके ही सोना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम होने लगती है। लाइक ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम तो होती ही होती है, वाइट हेड्स हो जाते हैं, डेड स्किन होने लगती है। आप लॉन्ग टर्म में इससे आपके स्किन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? मेकअप को क्लीन करके फेस वॉश करना, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो हम सबके इन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ममाअर्थ ने एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि है ये है ममाअर्थ माइसलर वाटर फोमिंग मेकअप रिमूवर विथ रोज़ वाटर एंड कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है जो कि विथ ब्रश आती है। सो ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है और यूज़फुल भी है। तो इससे आप 1 मिनट में अपने पूरे फेस के मेकअप को रिमूव कर सकते हो। लाइक इसमें माइसलर वाटर भी है एंड ये फेस वॉश भी है। आपको 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आपने पहले अपने पूरे फेस के मेकअप को माइसलर वाटर से क्लीन किया एंड उसके बाद फेस वॉश किया, वो करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ओनली 1 स्टेप में 1 मिनट में आप अपने पूरे फेस के मेकअप को रिमूव कर सकते हो। सो मैंने भी लिया है #1 मिनट चैलेंज और चलिए देखते हैं 1 मिनट में ये हमारे मेकअप को कितना रिमूव कर पाता है। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all 1 मिनट के अंदर मेरे सारे मेकअप तो रिमूव हो गए। साथ में आपने देखा था मैंने आईलाइनर अप्लाई किया हुआ था एंड इसने 1 मिनट के अंदर ही फेस को क्लीन करने के साथ साथ मेरे वाटरप्रूफ आईलाइनर को भी अच्छे से रिमूव कर दिया है विदाउट लाइक मेरे आईज के आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है कि लाइनर या फिर काजल स्मज हो गई है। सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। डेफिनेटली मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी ममाअर्थ माइसलर वाटर फोमिंग मेकअप रिमूवर फेस वॉश। और इसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी स्किन ड्राई नहीं लग रही है बिकॉज इसमें रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन है। रोज़ वाटर आपके पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, साथ ही में इसमें ग्लिसरीन है तो स्किन तो ड्राई होनी ही नहीं है। सब क्लियरली देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लीन है, मतलब मेकअप बिल्कुल भी नहीं है। लाइनर, लिपस्टिक, फाउंडेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से रिमूव हो चुका है। स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है। सो गाइज ये 2 in 1 मेकअप रिमूवर प्लस फेस वॉश तो है ही। बेस्ट पार्ट मुझे इसकी ये लगी कि ये विथ सिलिकॉन ब्रश आती है जो बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल है आपके स्किन पर और आपके स्किन के सारे डर्ट एंड मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है एंड वो भी विदाउट स्किन को ड्राई किए। अपने नाइट टाइम स्किन केयर को कंप्लीट करने के लिए आफ्टर फेस वॉश आपको जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए टोनर। तो एंड मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ममाअर्थ रोज फेस टोनर विथ विच हेजल एंड रोज वाटर, एंड ये पोर टाइटनिंग टोनर है। इसे अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन काफी ज्यादा टाइटन हो जाती है, ग्लो भी करती है और सॉफ्ट हो जाती है बिकॉज इसमें रोज वाटर है। रोज वाटर आपकी स्किन के पीएच को मेंटेन करता है। ऑल्सो गाइज मुझे ममाअर्थ के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज ये मेड इन इंडिया ब्रांड है एंड ममाअर्थ ऑफिशियली पीटा सर्टिफाइड ब्रांड है, क्रुएल्टी फ्री है। इनके सारे जो प्रोडक्ट होते हैं नेचुरल होते हैं एंड इन्होंने कोई भी हार्श केमिकल नहीं यूज किया होता है। तो इसलिए मैं भी सपोर्ट करती हूँ हैशटैग वोकल फॉर लोकल ब्रांड, एंड आपको भी सपोर्ट करनी चाहिए। ऑल्सो ममाअर्थ के प्रोडक्ट आप नायका, अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड ममाअर्थ की वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो। बट आप ममाअर्थ की वेबसाइट से परचेस कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो ये कूपन कोड, इससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा। डेफिनेटली आपको ममाअर्थ के ये न्यू प्रोडक्ट जरूर ट्राई करने चाहिए एंड ये ऑल स्किन टाइप है तो आप सभी से यूज कर सकते हो। नाउ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने डिज़ाइनर कलेक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाउन से, और ये जो गाउन है सारी जो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ अंडर 4000 रुपीज़ है। सो ये गाउन की जो कॉस्ट है वो है 3400 रुपीज़, प्लस इसमें आप कुछ भी बढ़ाना घटाना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसकी जो मेरे पास जो है उसकी प्राइस है 3400 रुपीज़। सो ये कुछ इस तरह की गाउन है, मुझे काफ़ी अच्छी आई है, काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है और कलर भी उन्होंने काफ़ी सोच समझ के चूज़ किया है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। पीच कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये इस तरह की ना बोट नेक आएगी एंड इसकी जो इस तरह की आपको पूरी सीक्वेंस एंड थ्रेड वर्क मिल जाएगी, एंड इसका जो बैक है वो काफ़ी डीप रखा है इन्होंने, इस तरह से वी नेक आएगी। एंड इसमें साथ में आपको ये सैटिन की रिबन भी दी गई है जिससे कि आप ना लाइक आपके वेस्ट में काफ़ी अच्छी एक शेप आए आपकी बॉडी की। एंड नीचे की जिसके मटेरियल है वो पूरी सैटिन की मटेरियल है, कुछ थोड़ी साइन वाली मटेरियल है सैटिन की, एंड इसके अंदर में भी जो क्लोथ दी गई है वो भी थोड़ी साइनी दी गई है। तो ओवरऑल ये गाउन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, क्वालिटी अमेजिंग है, पहनने पे बहुत ही गॉर्जियस सा लुक आता है। बस मैं वेट कर रही हूँ यार, किसी की वेडिंग वगैरह अभी मेरे घर पर तो नहीं होने वाली है, लाइक लॉकडाउन में तो नहीं होगी, तो किसी की वेडिंग वगैरह का मैं वेट कर रही हूँ कि बस मुझे ये सारी चीज़ें पहनने का मौका मिले। आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली इस गाउन को ट्राई कर सकते हो। आपके बजट के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है, मतलब आपकी बजट ज़्यादा है तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, और कम है तो भी आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये है फर्स्ट आइटम। ऑल्सो इस गाउन के साथ आपको ये मैचिंग मास्क भी मिलते हैं, मतलब सेम टू सेम। अभी तो ये मतलब नॉर्मल है कि आपको मास्क लगानी ही है, तो डिज़ाइनर कपड़ों के साथ आपको ये डिज़ाइनर मास्क भी मिल रही है। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। इस तरह की है ये डिज़ाइनर मास्क, सेम टू सेम गाउन से मैच करता हुआ। नेक्स्ट जो आइटम है गाइज वो है एक पिंक बनारसी साड़ी विथ ब्लाउज़ में एम्ब्रॉयडरी, लेकिन आपको ब्लाउज़ के स्टिचिंग चार्जेस है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ओनली साड़ी एंड ब्लाउज़ की फैब्रिक में एम्ब्रॉयडरी के चार्जेस हैं 3500 रुपीज़। एंड इस तरह की है ये साड़ी। इसको मैंने चूज़ किया था उनके फेसबुक पेज से क्योंकि मुझे ये क्रीम एंड पिंक कलर की साड़ी चाहिए थी और मुझे बजट में कहीं मिल नहीं रही थी, मतलब बनारसी वनारसी साड़ी के इंस्टाग्राम में देख रही थी तो 15,000-18,000 रुपीज़ थे, बट मुझे ये साड़ी चाहिए थी। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये आप देख सकते हो इस तरह की क्रीम कलर है, इस तरह से बूटे बूटे बनाए हुए पूरी साड़ी में, एंड इसके जो ऊपर के साइड का बॉर्डर है वो कुछ इस तरह का है, पतली सी बॉर्डर है, और जो नीचे के साइड का बॉर्डर है वो कुछ इस तरह की है, हैवी बॉर्डर है। और मैं आपको पूरी साड़ी ओपन करके दिखा रही हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है पर कोई नहीं, दिखाना तो बनता है। ये है इस साड़ी का आंचल। आंचल में कुछ इस तरह की बहुत ही खूबसूरत जरी वर्क है, एंड पूरी साड़ी में जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह की बूटे बूटे बने हुए हैं। साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा है, बट मुझे बस प्रॉब्लम यही है कि इसमें ना ये जो लेस लगाई हुई है वो पूरे साड़ी में है, ऊपर के साइड में भी, तो इसको फोल्ड करके अंदर टक इन करने पे मैं बहुत ज़्यादा मोटी लगती हूँ। मैं भी बहुत लोग बोलेंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन ऐसा नहीं है। तो बस वही एक प्रॉब्लम है कि ये जहाँ पे हमारे प्लेट्स वगैरह से तक ये बॉर्डर नहीं होती तो ज़्यादा बेस्ट होता, तो ये मे बी मुझे रिमूव कराना पड़े हाफ़ साड़ी से, जहाँ से मैं इधर लूँगी ना, मतलब वहाँ से आना चाहिए तो अच्छा रहेगा। ये पूरी साड़ी में इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा उन्होंने किया है, लेकिन वो थोड़ा पेट बड़ा लगने लगता है। तो कुछ इस तरह की है ये साड़ी। ये आप देख सकते हो बैक के साइड से ऐसी है, फ्रंट के साइड से ऐसी है, एंड लास्ट में भी इस तरह से पूरी डिटेलिंग दी गई है। लाइक सब कुछ पिको वगैरह किया हुआ है। और फॉल्स की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये वाली जो लेस लगाई हुई है कवर अप करने के लिए, तो ज़रूरत नहीं है। तो ये है साड़ी। और इस साड़ी का जो मेन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है वो है इसका ब्लाउज़। आप लास्ट टाइम की भी मैंने इनकी वीडियो की थी वो चेक करोगे तो उन्होंने उस टाइम भी बहुत खूबसूरत 2 ब्लाउज़ बना के भेजे थे जो मेरे अभी तक के ब्लाउज़ के कलेक्शन में फेवरेट है। मतलब हैंड एम्ब्रॉयडरी वाली थी, ये मशीन एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। फर्स्ट इसकी नेक बहुत ही डिसेंट है, जितना मुझे चाहिए वो बहुत अच्छी लग रही है। एंड इसमें आपको ये हाफ स्लीव्स मिल जाएंगे, स्लीव्स में सेम साड़ी वाली बॉर्डर लगाई गई है और ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह की, फ्रंट में भी एंड बैक में भी। और बैक में मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है वो है ये लटकन। ओ माय गॉड, इतने डिज़ाइनर तो है ही, अब डिज़ाइनर की पीस है तो डिज़ाइनर होगी, बट ये कितनी खूबसूरत है, मुझे बहुत ही सुंदर लगी यार। इस तरह से ये देख रहे हो, ये 2 इस तरह से चाँद के शेप में है, 2 इस तरह से हैं, और इसमें ये पूरी जरी एंड स्टोन से पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इसमें भी आप देख सकते हो सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी की हुई है एंड यहाँ पे ये मोती लगाए हुए हैं, तो बहुत ही क्यूट लगा यार मुझे ये। तो ब्लाउज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मेरे पास रानी पिंक कलर की ब्लाउज़ है बट इस तरह की नहीं है, लाइक ये हाफ स्लीव्स वाली नहीं है जो सिल्क साड़ी के साथ आए, तो ये ब्लाउज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। ऑल्सो इस साड़ी के ब्लाउज़ एंड साड़ी से मैच करता हुआ आपको यहाँ पे ये डिज़ाइनर मास्क भी मिलता है। मतलब सभी चीज़ों के साथ आपको उसकी मैचिंग मास्क भी प्रोवाइड की गई है। इस तरह की है ये मास्क। अब नेक्स्ट जो साड़ी है गाइस, ये कलर मैंने चूज़ किया हुआ है। उसके बाद ये साड़ी बनाई गई है, उन्होंने जस्ट मुझे कलर का एक चार्ट भेजा था, उनमें से चूज़ करना था। टेसल था तो उसमें से चूज़ करना था, तो मैंने ये कलर को चूज़ किया हुआ है क्योंकि इस कलर की साड़ी है नहीं मेरे पास और मुझे लगा ऑर्गेन्जा में ये साड़ी अच्छी लगेगी। तो ठीक है, ये ऑर्गेन्जा साड़ी है, डिज़ाइनर साड़ी है, कुछ इस तरह की है ये। साड़ी के ऊपर और नीचे ना इस तरह की डिज़ाइन बनाई गई है, लाइक कटवर्क वाली डिज़ाइन बनाई गई है। और पूरी साड़ी में आपको जस्ट ये छोटे छोटे फ्लावर्स मिलेंगे और इस साड़ी में कुछ नहीं है, जस्ट यही डिज़ाइन है। पहन के मैं आपको दिखाऊंगी तो आप समझ जाओगे कैसा है। अभी मैं इसको नहीं ओपन कर रही हूँ, बट ये साड़ी जो है ऑर्गेन्जा की साड़ी है, बिल्कुल इस तरह की ट्रांसपेरेंट। मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवा सकते हो, ज़्यादा कम कलर सब कुछ करवा सकते हो। एंड ये साड़ी विथ ब्लाउज़ मटेरियल 3800 रुपीज़ की है। इसमें जो ब्लाउज़ मुझे बना के दिया गया है बहुत ही खूबसूरत है, बट ये ब्लाउज़ मुझे थोड़ा सा लूज़ है, इसे मैं ठीक करा लूँगी। कुछ इस तरह की ये ना शर्ट की कॉलर डिज़ाइन जो होती है ना उस टाइप की है। एंड ये इस तरह से है, इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पर ये छोटे छोटे थ्रेड एंड जरी से वर्क किए हुए हैं। मटेरियल जो इसका है वो सैटिन टाइप का है। यहाँ पर हाफ स्लीव्स है एंड इसकी बैक जो है वो पूरी इस तरह से ओपन है। यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन दी गई है जो टाई अप करने वाली डिज़ाइन होती है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने ये वाले डिज़ाइन को दिया हुआ है। इस तरह से उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन किया है, लाइक लाइट ये ब्लू टाइप की, ब्लू ग्रीन, पता नहीं कौन सा कलर है बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कलर। उसके साथ में ये बहुत ही खूबसूरत सी बेबी पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है एंड साथ में ब्लाउज से मैचिंग करती हुई ये मास्क। ठीक है, और इस साड़ी का प्राइस है 3800 रुपीज़ साड़ी एंड विथ ब्लाउज़ का पीस। आपको स्टिचिंग करानी है तो उसके चार्जेस अलग से हैं। ओके, और इनके जितने भी साड़ीज़ वगैरह सब कुछ आए थे वो इस तरह के कॉटन के कवर में आए थे। ये आप देख सकते हो लाइक इस तरह की जिप के साथ। इस तरह के कॉटन के कवर में रखने से क्या होता है ना, आपके कपड़ों की चमक नहीं जाती है और उनकी साइन हमेशा बरकरार रहती है। तो ये सारे ही जितने भी कपड़े हैं 4 आए हैं मेरे पास, 4 इस तरह के कवर में आए हैं। सब कुछ इस तरह की साड़ी कवर में, एक ही कवर में सारा कुछ आ गया था। अब जो लास्ट आइटम है मेरे पास गाइस वो है मेंस वेयर। तो ये उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए भेजा है, नितेश के लिए। उनको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और कोशिश उन्होंने की होगी कि मेरे साड़ी से मैचिंग भेजे, बट उनके पास होगा नहीं, तो उन्होंने ये गोल्डन कलर में भेजा हुआ है। ये भी ब्रोकेड मतलब कॉटन में ब्रोकेड वर्क है, ये आप देख सकते हो। और नितेश को काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये ट्रेंडी है, लाइक ये नॉर्मल कुर्ता पजामा नहीं है, ये शॉर्ट कुर्ता विथ धोती टाइप का पजामा होता है ना उस तरह से है। 2800 रुपीज़। इसे भी आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो, इसमें एक्स्ट्रा वर्क चाहिए, कुछ भी कम ज़्यादा करना है, कलर वगैरह आप देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। तो इस तरह की है ये पूरी गोल्डन, मतलब ब्राउन एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे फुल स्लीव्स मिल जाएंगे, फुल से ज़्यादा ही है ताकि फोल्ड कर सके। एंड ये शॉर्ट कुर्ता है, ये नी लेंथ तक आएगी एंड इसमें पॉकेट वगैरह भी दिए गए हैं और अंदर भी इस तरह की कॉटन की लाइनिंग लगाई गई है ताकि अंदर चुभे नहीं, अदरवाइज़ इस तरह के जो ब्रॉकेट फैब्रिक होते हैं काफ़ी चुभते हैं। एंड इस तरह की है ये फ्रंट से। एंड नीचे के लिए आपको कुछ इस तरह की धोती स्टाइल पजामा मिलती है, इतनी बड़ी। पहले नितेश ने देखा तो बोला कि इतना बड़ा क्यों है, फिर हम लोगों ने सोचा तो पता चला कि अच्छा ये धोती स्टाइल में है, जो थोड़ी नहीं सलवार टाइप की फैली फैली होती है, क्योंकि कुर्ता शॉर्ट है ना तो नीचे थोड़ी धोती स्टाइल में है। तो उस तरह की है ये पजामा और ये काफ़ी अच्छी सॉफ्ट कॉटन की फैब्रिक है, मतलब काफ़ी सही वाली फैब्रिक यूज़ की गई है। तो ये थे नितेश के लिए। सो थैंक यू स्वस्तिका जी, आपने मेरी दिवाली की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, साड़ी भी और कुर्ता सेट भी। तो मुझे सारे ही आइटम की क्वालिटी, डिज़ाइन सब कुछ बहुत अच्छे लगे हैं। आपको भी डिज़ाइनर पीस चाहिए तो देखो डिज़ाइनर पीस के तो ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, तो आप इन स्वास्तिका जी से कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे से बात करती हैं, बहुत ही अच्छे से समझाती भी हैं और उनका जो मतलब फैशन को लेकर के जो उनकी मतलब नॉलेज है ना वो काफ़ी अच्छी है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने उनसे बहुत सारी मतलब जो रेड वाली साड़ी थी बहुत सारे लोगों ने बनवाई थी, ब्लाउज़ वगैरह। कुर्ता की डिमांड तो अभी तक आती है, बट वो भी आप मतलब मैं लास्ट वीडियो की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड बस ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। एंड फिर मिलूँगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।